आज मैं चावल के आटे से इंस्टेंट नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही इजी है। तो चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें हम एक कटोरी चावल का आटा डाल देंगे। अब हमें एक चौथाई कटोरी सूजी इसमें डालना है, साथ ही अब हम इसमें आधी कटोरी दही डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका घोल बनाएंगे। मैंने घोल तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल जाए। बैटर को रखे हुए 5 मिनट हो गया है, तो हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और हम इसे मिक्स करते हैं। तो ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसमें कटा हुआ प्याज, मैंने यहाँ पे 3 प्याज को कट करके डाल दिया है, थोड़ा सा अदरक, 3 हरी मिर्च, धनिया पत्ते को मैंने कट कर लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे, टेस्ट के अनुसार नमक, 1 चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। बैटर हमारा रेडी हो गया, तो अब हम इसे कुक करेंगे। नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन गर्म कर रहे हैं, उसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब हमें इसमें बैटर डालना है। हमें बैटर को इस तरह से फैला लेना है। अब हम इसे ढककर कुक करेंगे। मैंने इसे 1 मिनट कुक कर लिया है, तो अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं और हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और अब इसे पलटना है। हमें दूसरी तरफ से भी इसी तरह ढककर पका लेना है। नाश्ता हमारा दोनों तरफ से सिक गया है, तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह सारा नाश्ता तैयार कर लेंगे। मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, तो अब हम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।